देखिए, सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि आपको मालूम है कि सरकार के तरफ से हम लोग पूरा प्रिपेयर थे कि रथ यात्रा करने के लिए, इसके बावजूद भी 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि रथ यात्रा नहीं हो पाएगा। फिर 23 को ये रथ यात्रा होने वाला था, फिर 22 को दोपहर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि रथ यात्रा हो पाएगा। तो 22 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और 23 को रथ यात्रा, इसके बीच में बहुत कम समय था, बहुत सारे काम भी था। ये विश्व का सबसे बड़ी यात्रा है, इसीलिए ये कम समय में जो सवाल था कि इतने कम समय में ये सारे काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारे बातों के बावजूद सही ढंग से सारे काम आज हो रहा है। आज महाप्रभु और बड़ो ठाकुर माता सुभद्रा सारे सही टाइम पे, चतुर्धाम मूर्ति सही टाइम पे रथ पर विजय हुए हैं और सारे काम सही टाइम पे हो रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये सारे देखने के बाद हमें लगता है जैसे कि भगवान ने कुछ चमत्कार कर रहे हैं। बिना भक्त का हो रहा है तो क्या बोलेंगे भक्ति? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि बिना भक्त में करने के लिए, और इसीलिए COVID-19 के वजह से आज बिना भक्त में हो रहा है। अभी जो लोग खींच रहे हैं उनका कोविड टेस्ट हुआ? सारे सेवायत लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है और एक सेवायत का कोविड पॉजिटिव भी हुआ है और बाकी लोगों का पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे सबका कोविड टेस्ट होना चाहिए, और उसी के वजह से सबका कोविड टेस्ट भी हुआ है, पॉजिटिव को निकाल दिया गया है।